हेलो फ्रेंड, तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, मैं आज आपको दिखाऊंगा अपने कुंडा में एकदम देसी तरीके की होटल। आप लोग देख सकते हैं, एकदम गोवा वाली फीलिंग आपको यहां पर आएगी। आप लोग देख सकते हैं, पूरी गोवा वाली फीलिंग आप लोग ले सकते हैं। तो मैं आपको यहां का पूरा नज़ारा दिखाता हूं, पूरे होटल का। तो आप मेरे वीडियो में फ्रेंड अंत तक बने रहिएगा। तो फ्रेंड, हम लोग आ चुके हैं द गार्डन ऑफ व्यू। ये रेस्टोरेंट अभी नया नया बना है, तो हम लोग आज यहाँ पर आए हैं कुंडा में। कुंडा में भी नया नया रेस्टोरेंट का ओपनिंग हुआ है, तो हम और हमारा एक दोस्त आया है। तो मैं चलता हूँ और आपको यहाँ का सुंदर नज़ारा दिखाता हूँ। बताते हैं, यहाँ पर पूरा गोवा वाली फीलिंग आपको यहाँ पर मिलेगी फ्रेंड इस रेस्टोरेंट में, क्योंकि यहाँ पर पूरा गोवा वाला सिस्टम किया गया, जिसमें कि गोवा में जिस तरह आपको मिलेगा पूरा तफरी वगैरह और यहाँ पर पूरा बना हुआ है। तो आपको मैं पूरा दिखाता हूँ फ्रेंड ले चलकर। आप मेरे वीडियो में फ्रेंड बने रहिएगा, मैं दिखाता हूँ। बहुत तगड़ी व्यवस्था है, क्यों मन का कही हो इस जगह का। बहुत शानदार, आलीशान, फंटास्टिक, औसम। वो तफरी है, बियर दारू सिगरेट हुआ पिए खाते। लेकिन ये ऊपर कौन सा बना दी यार इतनी तगड़ी व्यवस्था। द गार्डन ऑफ वेन। तो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं इस रेस्टोरेंट का कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है, इतना अच्छा सजाया गया है। ये बाहर से मैं आपको दिखा रहा हूँ पूरे रेस्टोरेंट का नज़ारा। ये बाहर का सीन है, यहीं से एंट्री करते हैं बाहर से। अब मैं इस रेस्टोरेंट के अंदर एंट्री करता हूँ फ्रेंड, और आपको दिखाता हूँ कितना अच्छा डेकोरेशन किया गया है इस रेस्टोरेंट को। इतना अच्छा बनाया गया, इतना आलीशान बनाया गया है, आप लोग देख सकते हैं। मैं ले चलूँगा आपको जहाँ पर गोवा वाली फीलिंग आपको मिलेगी। ये मैं ऊपर चढ़ाऊँ, इसके नीचे आपको मैं ले चलूँगा और दिखाता हूँ इसके नीचे चलकर कितना अच्छा डेकोरेशन वहाँ भी किया गया है और यहाँ भी। तो चलते हैं फ्रेंड, आपको दिखाते हैं। जैसा कि फ्रेंड, यहाँ पर काफ़ी अच्छी व्यवस्था है, आप लोग देख सकते हैं क्या आलीशान होटल है हमारे कुंडा में। अभी नया नया ओपनिंग हुई है। ये बाहर का व्यू है। जैसे फ्रेंड देख सकते हैं, ये बाहर का कितना सुंदर नज़ारा है। मन काफ़ी आलीशान है यार, यह व्यवस्था बहुत तगड़ी है। यहाँ पर बियर सिगरेट दारू सब कुछ पी सको ना आराम से, तो डांस हो कर सका तो ज़्यादा है। सिगरेट ये पूछा गया, तो टपरी बनी है। अच्छा, तफरी तफरी बनी है, सिगरेट पिएगा। अच्छा, ये SSL तफरी, यहाँ पर सिगरेट पी सकते हैं। अच्छा, सिगरेट वो बुझा तो एक पियो ना इधर पर फिर। बहुत तगड़ी व्यवस्था है फ्रेंड, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कितनी अमेजिंग जगह है यहाँ पर, एकदम देसी तरीके से। ये सब तो वहाँ देखे घुमा मिलत कहाँ, गोवा माँ ये सब इस तरह की जगह। लेकिन ये गोवा वाली फीलिंग हम लोग कुंडा में ले रहे हैं। क्यों मन, आप लोग देख सकते हैं ये फ्रेंड हमारे लिए एक ग्लास और पानी आ चुका है। भाई साहब हमारे लेके आ रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका। हम लोग यहाँ पर गोवा वाली फीलिंग लेने वाले हैं। क्यों मन भाई, पूरी यहाँ पर गोवा वाली फैसिलिटी दी गई है फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं कितना सुंदर नज़ारा है। तमन भाई क्या मंगाए हैं आप हमारे लिए? चिली पनीर और सादी रोटी बटर के साथ ना। तब ठीक है फिर, तो जल्दी लाइए, हमको इंतजार है। क्योंकि खाना सुनने के बाद मतलब पता है पेट में खलबली मच जाए, तो जल्दी आओ। तो हमें खाना का इंतजार फ्रेंड, देखते हैं कब आता है। तो छोटा सा ब्रेक, क्यों मन तब तक खाना आ जाए। भाई साहब हमारे लिए खाना ला रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड। नीचे के यार कुछ नज़ारे दूसरे, क्यों भाई अब नीचे इतना अच्छा नज़ारा दोपहर का है, ऊपर इससे ज़्यादा फैसिलिटी। लेकिन उनका थोड़ा यहाँ ज़्यादा अच्छा लग रहा है। पंखा चला दीजिए भाई साहब, तो यार मच्छर लग रहे हैं। तमन
हमारा खाना आ चुका है, चिली पनीर सलाद और बढ़िया बटर रोटी। अमन निकालो भाई साहब फिर। चिली पनीर लेकिन बहुत खा तुम, जहाँ देखा है तुमका, चिली पनीर के दीवाने हैं हमारे अमन जी, चिली पनीर के तुम्हारे लगत फेवरेट है चिली पनीर है ना। हाँ गजब, निकालो। वाओ पंखा चल चुका है भाई, नहीं ठीक है, अच्छा लग रहा है। तो जैसे फ्रेंड हम लोगों के लिए खाना लग चुका है, अब हम लोग खाने जा रहे हैं। अमन बहुत भूखे हैं, अमन खाने जा रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मतलब उनको जल्दी है खाने की, तो हम भी खाते हैं। मिलते हैं अब छोटे से एक ब्रेक के बाद, जा रहे हैं खाने। तो आप लोग मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा फ्रेंड, मैं आगे भी दिखाता हूँ आपको। जैसा फ्रेंड यहाँ पर अब नाइट का सीन देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी लाइट वगैरह लगी है और कितना सुंदर नज़ारा है, आप लोग देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है अपन नाइट में, देखिए किधर, काफ़ी सुंदर दृश्य, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। काफ़ी अच्छी फैसिलिटी भी है यहाँ पर, क्योंकि अभी हम लोगों ने खाना खाया तो काफ़ी उसका टेस्ट भी काफ़ी अच्छा था, और यहाँ पर नज़ारा और फैसिलिटी दोनों बहुत अच्छा है। तो फ्रेंड अब चलते हैं घर, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टाइम हो चुका है। तो मिलते हैं एक न्यू ब्लॉग में। तो आज के लिए इतना ही। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।